हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे तो आज हम एक उस छोटे से पैने स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी टाइम से मतलब गिरते जा रहा है एक मंथ हो गया आप देख लीजिए एक मंथ पहले सत्रह रुपये था जो अभी गिर के करीबन साढ़े चौदह रुपये हो चुका तो छः मंथ पहले इसकी प्राइजें सोलह रुपये थी और आज गिर के चौदह रुपये पैंसठ पैसा हो गया आप देख सकते हो छः मंथ से गिरता जा रहा है और उसके पहले सत्तर रुपया चला गया था और बीच में फिर एक बार गिर के पंद्रह रुपये आ चुका था फिर सत्तर रुपये चला गया था ऐसे करके सीढ़ियाँ बना रहा है मतलब और पाँच दिन की चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो बारह परसेंट गिर चुका इतना जिसको इतना गिरना था ना उतना गिर चुका मैक्सिमम आल पे देख लीजिए रिटर्न आल का देख लीजिए यह स्टॉक कभी साढ़े चार सौ रुपये हुआ करता था साढ़े चार सौ रुपये जो अभी गिर के आप देख सकते हो चौदह रुपये पैंसठ पैसा हो चुका तो आप ऐसे स्टॉक को कौन ख़रीदना नहीं चाहेगा मैं तो यही बोलता हूँ कि ऐसे स्टॉक को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा मौका मिलते क्योंकि ये स्टॉक अभी लोग डर के मारे इसको सेलिंग पे ऑर्डर लगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से गिर जा रहा है कुछ मार्केट क्रैश चल रहा है कुछ दिनों से उसकी वजह से हो रहा है तो घबराने वाली फ्रेंड कोई बात नहीं है इसमें कोई ऑपरेटर वगैरह का गेम कुछ नहीं है पब्लिक पब्लिक है जो डर के मारे इसमें सेलिंग ज़्यादा हो रही है बस और कुछ नहीं है ज़्यादा तो आप ऐसे चाहो तो ऐसे स्टॉक को फिर नज़र बना के रख सकते हो स्टॉक का नाम देख लिए बजाज हिंदुस्तान शुगर का स्टॉक है जो अच्छा लॉन्ग टाइम के लिए बहुत बेस्ट स्टोक है ये तीस रुपये तो यो चुटकियों में चला जाएगा एक साल भी नहीं लगेगा लगे पैसा डबल बनने में छः मंथ के अंदर चला जाएगा तीस रुपये तो आप ऐसे स्टॉक पे अपनी नज़र बनाए रखें और मार्केट के भी देख सकते हो एक सौ सितसी करोड़ का है तो आप समझ ही पा रहे होंगे क्या चीज़ है ये तो ऐसे स्टॉक को अपनी नज़र बनाए रखे क्योंकि ऐसे स्टॉक अच्छा रिटर्न देने वाला है क्योंकि ये क्योंकि अभी देख लीजिए ये कभी चार साढ़े चार सौ रुपये वो करता तो सोचो एक बार जहाँ चला गया तो वहाँ तो बिल्कुल भी जाएगा जो स्टॉक ऊपर जाता है वो नीचे गिरता है जो नीचे गिरता है वो ऊपर भी जाता है ये भी नज़र में ध्यान में रखना आप मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक जरूर ऐड है बट आपको भी बोलता हूँ ऐसे स्टॉक पैसे डालने से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले ले ऐसे पेनी स्टॉक है कोई प्रॉब्लम नहीं है पेनी स्टॉक है पैसा आप जितना ही लगाइए जितना आपके पास बजट है उसका दस परसेंट लगाइए बस बहुत है इतने में तो आप माला माल हो जाओगे तो आप सोच ही सकते हो ऐसे स्टोक को पैसे बनते हैं ऐसी बात नहीं है बनते है, नहीं बनते अच्छे अच्छे पैसे बनते हैं मेरे खुद के थे मैंने थोड़ा ही डाले थे बट कम मिला मेरे को मैं अभी और एवरेज करूँगा क्योंकि मेरे थोड़ा महंगा प्राइस में ख़रीदा मैंने तो मैं अभी थोड़ा एवरेज और करूँगा थोड़ा नीचे और आएगा बस लास्ट तेरह रुपये से नीचे नहीं जाने वाला है ये स्टॉक बस थोड़े दिन एक दो दिन देख लीजिए वेट कर लीजिए अगर थोड़ा नीचे आ रहा है तो आप नीचे में बाय करिए बट इसको बाय ज़रूर करिएगा दोस्तों क्योंकि ये स्टॉक लॉन्ग टाइम के लिए भी अच्छा है और शॉर्ट टाइम के भी अच्छा है शॉर्ट टाइम में देख टारगेट है इसका सत्रह अठारह रुपये और लॉन्ग टाइम के लिए टारगेट है तीस रुपये एक साल के अंदर पहले तो आप देख सकते हो ऐसे स्टॉक को अपनी नज़रों में जरूर रखें और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू